हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है अनीता की रसोई में। फ्रेंड, आज मैं खरबूजे से बहुत ही टेस्टी यम्मी सी ये जूस की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं और देखिएगा इसको हमने कैसे बना के रेडी किए हैं। चलिए तो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने थोड़े से ये खरबूजे लिए हैं, इसको हमने छोटे पीस में ऐसे कट कर लिए हैं और ये मिक्सर का जार में ऐसे देखिए डाल देंगे। अब इसी में फ्लेवर के लिए हम इसमें 2 चम्मच ये मिल्क पाउडर डाल लेंगे। इससे बहुत ही बढ़िया सी ये जूस बनके रेडी होगी और बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो इसमें हम 2 चम्मच ये मिल्क पाउडर डाल लेंगे और थोड़े मीठे के लिए हम इसमें 1 चम्मच ये शक्कर डाल लेंगे और 2 इलायची डाल देंगे। इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया लगेगी। तो फिर इसमें हम थोड़ा सा ये दूध डालेंगे, तो थोड़ा सा आधा कप इसमें दूध डाल के इसको हम पीस लेंगे। तो चलिए मिक्सर के जार में हम पीस लेंगे। तो देखिए, पीस के हम इसके तैयार करेंगे। तो आप अपने हिसाब से दूध डाल के इसको पीस लीजिए जितना अपना जूस बनाना हो। तो हम थोड़ा थोड़ा ऐसे घुमाते हुए इसको अच्छे से ये पतला सा पीस लेंगे। इससे रबड़ी जैसा बहुत ही टेस्टी सी ये जूस बन के रेडी होगी। तो देखिए, हमने पीस के इसको तैयार कर लिए हैं। अब चलिए इसको हम 1 ग्लास में निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारा ये खरबूजे का मिल्क शेक अच्छे से तैयार हो गए हैं। बहुत ही बढ़िया लगती है और इसको बहुत ही यम्मी जैसी, रबड़ी जैसी दिखती है। तो इसको इस तरह से आप भी तैयार करिएगा। ये बहुत ही सिंपल इजी सी रेसिपी है। तो देखिए कितना रबड़ी जैसी दिख रही है। तो खाने में भी उतना ही टेस्टी है। आप इसको ऐसे बना कर ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इसको देखिए, हम खरबूजे से थोड़ा सा गार्निश कर देंगे, थोड़ा इसको अच्छा लुक देने के लिए। तो आप ऐसे भी ट्राई करिए, बहुत ही अच्छी लगेगी। तो फ्रेंड, अगर मेरा ये रेसिपी आपको देख के पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई रेसिपी के साथ। तब तक थैंक यू।